ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर एक का राज्य है। दुग्ध उत्पादन में नंबर एक राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 8,51,00,000 खाता धारक है, यानी 8,51,00,000 ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और बीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरों ने उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50,00,000 से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे? क्या उत्तर प्रदेश का वासी था? हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए, यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम क्या, हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, मैं आ रहा हूं, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर देना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं, उस पे भी आ रहे हैं। महोदय, सेकेंडरी परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ, आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुने। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लगकर के काम करती है, हमने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक
अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने। जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं, ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका न्याय, सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर पे हम इसको टेबल करेंगे। टेबल नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, इससे पूरे सदन की जानकारी में आ जाए। अध्यक्ष महोदय ये सच्चाई है, सेलेक्ट और उनकी सूची मुख्य समय के बोला तो उनका है। समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था? कौन सा ऐसा आयोग था, अधीन सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय क्या होता था? किसी से छुपावा नहीं है, उसी में लेखपाल दिन सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय उस समय की जो स्थिति थी, उस समय तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश लेकर के इस बात को, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा नहीं कर रहा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं, मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए संसदीय लोकतंत्र में
संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश। और दूसरा, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था, भाई वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब, यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वे निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे। और इसलिए महोदय दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं, बस अवसर मिले तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो इन्होंने किया है, यहां पे यूपी के अंदर तो यही सब कर रहे थे। महोदय अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, आएंगे, चिंता मत करिए। महोदय आ रहे हैं। सुन ले, देखे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा चेयर से बोलेंगे तबियत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है? अरे शांति रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा जब बोलेंगे। महोदय क्या विचित्र सी स्थिति है, कैसे लोग भरमाने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं हर गरीब तक, हर दलित तक, हर पिछड़े तक, हर वंचित तक शासन की योजनाओं का लाभ जाए। मैं हूं, मेरे कैबिनेट के तमाम मेरे साथी हैं, हमारे सहयोगी दलों के हमारे यहां पे नेता हैं, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं। पीएम आवास योजना 52,77,000 गरीबों को मिला है। हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया, उत्तर प्रदेश का ही गरीब है। इस सूची कब की बनी है? 2011-12 की। और उस सूची के अनुसार ये आवास मिल रहे हैं। उस सब के बावजूद जो गरीब बचे हुए हैं, जो सूची से वंचित हुए थे, जिन लोगों की उस समय सरकार थी, उन लोगों ने जो भेदभाव किया था, उनके लिए हमने सीएम आवास योजना चलाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुसहर, बनटांगिया, कोल, सहरिया, थारू, चेरो, और इस बार हम बुक्सा को भी उसमें जोड़ रहे हैं, बिजनौर में। संभवतः हमारे नेता विरोधी दल को ये सब जातियों के नाम पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एक ही जाति का नाम याद है सब, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है यूपी के अंदर। महोदय वंचित थे लोग। मार्च 17 में मैंने यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी,
और जनवरी में और दिसंबर में मैं यहां पर प्रदेश के अंदर दिसंबर 16 और जनवरी 17 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैं उन गरीबों के बीच जाता था जो गरीब खाद्यान्न से वंचित किए गए थे। कुशीनगर जिला उसका एक उदाहरण है, सोनभद्र जिला है, चित्रकूट है, भूख से मौतें होती थी। और मैं कह सकता हूं आज महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। हर महामारी के साथ एक दूसरी महामारी साथ में चलती थी कि महामारी अगर ठीक भी हो जाती थी तो भूख से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। पहली बार हुआ है, हमने देश के अंदर दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम इस महामारी के अंदर तो दिया ही, मृत्यु दर सबसे कम। लेकिन मैं कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पहले भूख से मौतें होती थी, 17 के पहले भूख से मौत होती थी, यह सच्चाई थी। लेकिन इस स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि पता ही नहीं उनको, बनटांगिया कौन है इनको पता ही नहीं होगा, मुसार कौन है इनको पता ही नहीं होगा, बुक्सा कौन है इनको पता ही नहीं होगा। और महोदय इसीलिए ये लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, याद करिए जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, हम सब उस अभियान के साथ जुड़े थे। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का महिमामंडन कर रही थी, यानी इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं। एक तरफ 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, केवड़िया जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है, और हर एक जनपद में कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। ये तो इनकी स्थिति है, इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला किसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है, बहुत कठिन है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। और महोदय यहां पे इसके अलावा यहां पर एक नई चर्चा, परसों कह रहे थे नेता विरोधी दल, उस दिन कह रहे थे खेल के बारे में कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे थे। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है, मैं तो अकेले ही जाऊंगा महोदय। हाँ मॉल में भी जाते, नहीं नहीं बॉल बॉल नहीं, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका एक, मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था, मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें, भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। हमने अभी तमाम खिलाड़ियों को नौकरी के दिए, अभी याद करिए हमने एक अभी नायब तहसीलदार बनाया, यादव है लड़का, अच्छा खिलाड़ी है यूपी का, हमने भेदभाव नहीं किया, वो योग्य था। हमने ललित उपाध्याय को दिया, ओलंपिक में मेडल जीते थे, हमने डिप्टी एसपी बनाया है, सैकड़ों नौजवानों को जो खेल में हमने उनके लिए नौकरी के द्वार खोले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, जो आज हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में घोषित किया है, तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें। और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो
अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य, महोदय मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूं और फिर देखिए उसमें औरों के कोटेशन नहीं है, कोटेशन मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा। देखिए इसमें था कि सीएम के आते ही बरसे रन, ठीक है, 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलने हैं, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं, नो बॉल को छक्के से हाथ जोड़ देंगे। और तब महोदय तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी, शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाई बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं, उन्होंने कहा था विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बोले राम सकोप तब। इधर के भय से ही सही, इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ ये है 16 फरवरी 2014, और उस समय उन्होंने कहा था हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए, मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं, हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है आपको खेलने का वक्त मिल जाता है, आप समझ सकते हैं, खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम, अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे, बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे, खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं महोदय, इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है, एक महोदय एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है, 97,000 करोड़। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है, और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था, और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल, और महोदय
खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। ये भी तो खेल हो रहा था। और भी तमाम चल रहे हैं, बुंदेलखंड की क्राइसिस, सबसे वो माफिया अलग थे, चल रहे हैं, उस पर भी आऊंगा अभी। तमाम एक खेल एक और चल रहा था, आतंकियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का खेल भी चल रहा था। ये सभी खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चलते थे। महोदय, ये खेल कहां तक लेके जाएंगे लोग? और तो मुझे कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कुछ कुछ नहीं खेलना है। देखो, मैं एक सामान्य व्यक्ति और हर एक के साथ बहुत सद्भावना के साथ पेश आता हूं, सम्मानजनक व्यवहार करता हूं, सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं, लेकिन मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे, आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलता? मैं आप जैसे आपसे मिलता हूँ वैसे मैं उनसे भी मिलता हूँ, और क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। नहीं नहीं, उनकी सिक्योरिटी भी उनको दी जानी चाहिए, और सिक्योरिटी मुझे लगता है जितने जरूर आप कह रहे हैं जरूर करेंगे, आपने सिफारिश कर दी है, जरूर उनको मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। और चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। महोदय, लेकिन मैं एक बात बात जानना चाहता हूँ। सार पे भी कह दीजिए। महोदय, एक और प्रकरण जो इन्होंने इस दौरान उठाया, जब पूरी दुनिया पूरा देश यूपी के अंदर आया था, हाँ, आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं, वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। और मैं उनके कह सकता हूं, और बहुत सहज सहज दृश्य, उनका जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें, और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप को करना चाहिए। महोदय, एक कुछ प्रकरण जो इन्होंने जानबूझ करके उठाए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये खास तौर पर जैसे ही ये शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, और पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण की टीम जाने लग गई रोड शो के लिए, तो उस समय समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया सगुफा छोड़ने का प्रयास किया, और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ को लेकर के, श्री रामचरित्र मानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी,
उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था, अकबर ने उनको बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मनसबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है समाज को एकजुट करने के लिए। मध्य काल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। तुलसीदास क्या आदिवासी ऑयल लगाने से क्या मेरे बाल जल्दी उगेंगे? मैंने भी देखी थी लंबे बालों वाली लड़की जो बोल रही जमीन तक बाल चाहिए तो आदिवासी तेल लग। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों का की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं? महोदय मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस के प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैं गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से 200 वर्ष पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनाकर के वहां गए थे, आज वे लोग राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं अलग अलग देशों में। उन्होंने समारोह किया था, भारत सरकार ने मुझे उस समय भेजा था। जब मैं गया तो उनके पास जाकर के मैंने वहां देखा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप के पास कुछ चीज है बची हुई जो आपके पूर्वज विरासत में लेके आए होंगे? उन्होंने कहा हां साहब हमारे घर में है। मैंने कहा क्या है? वो रामचरितमानस का गुटका था। रामचरितमानस था वहां पे। मैंने कहा आप पढ़ना जानते हैं? कहा नहीं पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमने जो विरासत में सीखा है वही हम उसको याद रखते हैं। विशुद्ध भोजपुरी में अवधी में लोग बोलते हैं और वही मैं बोलना चाहता हूं। महोदय यहां पर हमारे मान्य सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के व्हिप हैं या ये अवधी भाषी हैं, इनके भी आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में रची गई, और अवधी का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है? ताड़त का मतलब क्या है? इसमें क्या मारने से है? क्या देखने से है न हो? अरे फिर अध्यक्ष महोदय संरक्षण, अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको रोका नहीं, कभी नहीं, मैंने कहा मैं नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। एक कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कोई मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था क्या? बोलिए वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए। ये बात एक, एक जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी को ये अपनी बात नहीं चाहिए। बालबा महोदय दूसरा है हमारे बुंदेलखंड से माननीय सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे
महोदय बुंदेलखंड, संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था, और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिये शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देख रहे यानी उसकी देखभाल करते रहो, इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है, रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह वो करने का प्रयास कर रहा है, और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला है। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति, और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन है, मर जादा पुनि तुम्हारे किन है, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है, तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती, ढोल एक वाद्य यंत्र है, कमार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो, और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है, उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी, आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे वहां पे, मैरिज हॉल खोल देंगे, ये घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्य काल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपावा नहीं है, बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी, इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए,
जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है, कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण दिखती ना ताके मति। विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी, वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो, जब तक दुशासन है बेड़ी कैसे बध पाएगी, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लूट पाएगी। महोदय, मातृशक्ति की बात हो रही थी, नेता विरोधी दल कह रहे थे कहां पे जो है हेल्प डेस्क बना है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे 1584 थाने आते हैं, इन सब में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाना के साथ साथ एक अतिरिक्त महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गई है और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है। महोदय, 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13,000 थी, आज ये संख्या 32,000 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में महिला और बाल अपराधों में प्रभावी जो अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 से अधिक को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा ये अब तक की जा चुकी है। लगभग 5,000 से अधिक अपराधियों को जो महिला अपराध में संलिप्त थे जिलाबदर की कार्रवाई करके अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और महोदय, प्रदेश के अंदर पास्को और महिला संबंधी अपराध में ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। प्रदेश के अंदर महोदय अगर आप देखेंगे कि सेफ सिटी, आज प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों को, गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन और
यूपी पुलिस मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन के कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन भी इस दौरान हुआ है। 153,728 पुलिस की भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। 244 थाने, 133 चौकियां, 78 जिलों में एंटी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जिलों में 79 महिला पुलिस चौकियां और परामर्श केंद्रों की स्थापना भी